और वो मुहावरा तखी ना, मम्मी और पापा का दोनों का काम करते हैं, इससे थोड़ी थक जाती है। इससे मुझे पापा की इतनी जरूरत तो नहीं है, पर मुझे अपनी जान के लिए पापा चाहिए, प्रेम चाहिए, जो उनकी हेल्प करे, उनको प्यार करे। तो ये है मेरे दोस्त आर्यमान। आर्यमान आप मेरे टीम टेस्ट के लिए तैयार हो? टेस्ट नंबर 1, आप इतने स्ट्रॉन्ग हो कि मेरी जान के लिए रक्षा कर सकते हो? तुझे देखा तो जाना सनम। कान की रक्षा तो हो गई, पर जान की रक्षा तो कौन करेगा? ये सुन लो, तो तुमको नहीं सुनाई दे रहा? देख ऊपर थोड़ा सुन भी नहीं लगा, इससे गा रहा है इसके साथ। ठीक है, अगले टेस्ट में फेल मत होना। आप तो अपने आप को राजकुमार कहते हो ना? तो टेस्ट नंबर 3, आप मेरे जान के लिए रोमांटिक हीरो बन सकते हो? बिल्कुल बन सकता हूँ। तो ठीक है, लेकिन मैं सोच के बताता हूँ।
लग तो जरूर आया कि मम्मी के लिए इस तलाश में तुमको एक होनहार कैंडिडेट जरूर मिल गया है। या ऑन दैट हैप्पी नोट आप फिलहाल ऑडियंस में जाके बैठ सकते हैं। विदाउट फर्दर अडू आई वुड लाइक टू कॉल ऑन स्टेज द प्रोड्यूसर ऑफ आर शो द एक्सट्रीमली वेल नोन एंड रिस्पेक्टेड सुनावी जसना। Good afternoon, ladies and gentlemen. Sorry for the long wait. Center my E, madam. So, we promise this is going to be short. And center me. Up center. Yeah. Good. Thank you. So, Pulos Media, our production house, has had a very long association with Jersey and a successful one at that. Which was. We've had a great run with the channel. And now we'd like to present to you Main Hoon Saath Tere. Completely keeping up the tradition, our labor of love and emotion, written completely from the heart and presented to you in the same way. It's not like a regular show, so please give it all the love you want, and see you on TV. Thank you. Thank you so much. So, would you like to see the AV? Yes. Oh my God. Yes, we'll help you. कियान के हाथों में है इस लव स्टोरी का रिमोट कंट्रोल। तो क्या वो स्वाइप राइट या स्वाइप लेफ्ट करेगा ये देखना पड़ेगा। या इन द मीनवाइल आई'd लाइक टू कॉल द एंटायर कास्ट टू प्लीज जॉइन अस अप ऑन स्टेज फॉर द फोटो ऑप। कैन वी प्लीज हैव करण, उल्का, निहान बैक ऑन स्टेज। ऑल्सो वी हैव बीन जॉइन बाय सम ऑफ द की कास्ट मेंबर्स। कैन वी हैव अली हसन जी, प्रीति चौधरी, करण सूचक, please join us up on stage. I'd also like to call on stage Amir Jafar ji. Guys, we'll be doing the interactions in an informal way at the round tables. So this is just a photo op. Next. Center mein aa ja na bhai, light chhod ke andar ja. सेंटर दादा बैठ के ले लो फोटो। या सेंटर लोग, डू वी नीड द लाइट्स एनी ब्राइटर? कैन यू इंक्रीज द फेस लाइट्स गाइस? भाई उसको बोला लाइट क्यों चेंज कर रहा है? बोला ना अभी लाइट बढ़ाने को बोला, चेंज करने को नहीं बोला। फोटो अरे बच्चे को साथ में लो, पहले दोनों का ले लो, दोनों ले लो। बच्चा सुस्त आ गया बच्चे का। Do you want to understand?
ऊपर ही बैठा था थैंक यू ओके थैंक यू यहाँ पे नहीं काउंट टेबल बोला क्या चलेगा बच्चे का बच्चे को किससे बात कर रहे हैं इला बंदा नहीं थैंक यू सो मच थैंक यू करण थैंक यू उनका थैंक यू निहाल मतलब मेरे साथ भी कौन बेटी बोला हो गया ना चलो 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 भाई क्या कह रहे हो मेरा ईशा सबसे पहले कांग्रेचुलेशन नई शो से नई थोड़ा नीचे जा रही है इस बार का जो कैरेक्टर है थोड़ा इस तरह से एक्सपीरियंस कैरेक्टर लग रहा है जितना भी मैंने ये भी देखा बहुत अच्छा लग रहा है आपके किरदार के बारे में थोड़ा बताइए व्हाट वुड यू लाइक टू से फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच इंतज़ार करने के लिए और आप सब आए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए जैसा कि आपने देखा जाह्नवी एक बहुत ही अलग कैरेक्टर है बहुत ठहराव है इसमें और उल्का ने आज तक जाह्नवी जैसा किरदार नहीं किया था और मेरे लिए डिफ़िकल्ट भी रहा है चैलेंजिंग रहा है टिपिकल नहीं है सो एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जाह्नवी की ज़िंदगी में वो है कियान और उसके पीछे की क्या कहानी है वो तो आपको एपिसोड्स के ज़रिए पता चलेगा और हम चाहेंगे एक सुंदर कहानी में बता सके इसके लिए मुझे काफ़ी नई चीज़ें ट्राई की करनी पड़ी यू नो मेथोडिक एक्टिंग के लिए भी बिकॉज आपने हमेशा मुझे यू नो बहुत ही हीरोइक रोल्स करते हुए देखा है पर इस तरह का हीरोइन रोल नहीं करते हुए देखा होगा अपने आप में एक एक्सपीरियंस है बस एंड आई एम वेरी हैप्पी कि यू नो पोस्टर्स हमारे इतने अच्छे लग रहे हैं फर्स्ट टू एपिसोड्स इतने अच्छे लग रहे हैं और आप सबका इतना प्यार मिला सो लेट मी नो जैसा कि हम सब जानते हैं हमारी माएँ हीरो हैं आज हम सब जो भी हैं हमारी माओं के वजह से मतलब हमारे जन्म से लेकर लालन पालन हर संस्कार हमें हमारी माँ ने दिया है हम अपने पिताओं के साथ जितना वक्त नहीं यू नो फादर्स के साथ जितना वक्त नहीं बिताते उतनी ज़्यादा माँ से बिताते हैं तो आई थिंक सिंस वो एक हीरो है जो हमारे सबसे क्लोज टू हार्ट है तो क्यों ना मैंने सोचा इस बार यू नो मार धाड़ और एक्शन वाला हीरो तो मैंने किया है मतलब ये नहीं किया है एंड सिंगल मदर्स अपने आप में एक बहुत बड़ी अनसंग हीरोज़ हैं जिन्हें उतना क्रेडिट मिलता नहीं है देखा जाए तो जिस तरह की हमारे कंट्री में लाइफस्टाइल है हर माँ घर की एक सिंगल मदर जैसे कर रही होती है घर भी संभाल रही होती है कभी कभी किस कुछ सिचुएशंस में अपनी जॉब्स भी संभाल रही होती है और बच्चों को ना सिर्फ एक कई बच्चों को संभाल रही होती है सो आपने देखा होगा यार यू नो एक वर्किंग लेडी ऑफिस से आ रही है वो मटर छील रही है वहीं पे प्याज काट रही है और यू नो घर पहुँचते ही खाना भी बनाकर खिलाती है तो ये स्पिरिट है हमारे देश के मदर्स की और जब बात आती है सिंगल मदर्स की तो उनको सबसे कम क्रेडिट मिलता है और क्रेडिट के साथ साथ जो सोसाइटी से जो चीज़ें उन्हें सुननी पड़ती है या जो सवालों को झेलना पड़ता है आसान नहीं है तो इसलिए इस शो के ज़रिए हम सिंगल मदर्स के बारे में और उनकी उस लड़ाई के बारे में बात कर रहे हैं जो वो डिज़र्व करती हैं सबसे पहले मुझे ऐसा लगता है कि
ऐसा मैं सोचती हूँ कि मैं कितनी लकी हूँ एज एन एक्टर एज अ वुमन ऑल्सो कि आज तक मैं माँ बनी नहीं हूँ अब तक तो, पर जब मैं बनूंगी तो जैसे हर हम कहते हैं ना कि यू नो हमारे पेरेंट्स भी पहली बार माँ बने हैं या बाप बने हैं तो उनके लिए भी कितना डिफ़िकल्ट रहा होगा, बट मुझे ऑलरेडी एक माँ बनने का रिहर्सल मिल रहा है और आई वंडर मैं किस तरह की माँ बनूंगी क्योंकि मुझे ऑलरेडी पता है एक्सपीरियंस. बट कमिंग बैक एज एन एक्टर था थोड़ा स्ट्रगल था क्योंकि जब भी मैं कुछ वो सीन्स रीड करती थी मुझे कहते थे अरे वो ममता नहीं दिख रही है. मैं सोचती थी कि ममता ऐसी कौन सी चीज़ है यार जो मुझे नहीं आ रही है, पर फिर जाना फिर अपने माँ के बारे में सोचा अपने सारे फ्लैशबैक्स तो समझ आया कि ममता एक सैक्रिफाइस है, एक लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट है और एक माँ ना सिर्फ अपने बॉडी के साथ साथ वो कॉम्प्रोमाइज़ करती है बट अपने पूरे जीवन को कॉम्प्रोमाइज़ करती है, अपने हर खुशियों को अपने हर हक को, मतलब आपके थाली में भी जो एक एक्स्ट्रा निवाला होता है तो वो माँ खिलाती है, अपना पेट काट कर आपको खिलाती है, तो वो फीलिंग उससे नोबल फीलिंग नहीं हो सकती. तो मैंने सोचा क्यों ना इस बार मैं एक सिंगल मदर को निभाऊं और उसका नाम करें. तो मैं इस कि किस तरह से लोगों को क्या संदेश जाएगा आपकी. देखिए टेलीविज़न एक बहुत ही इम्पोर्टेंट माध्यम है, ना सिर्फ हमारे यू नो जेनरेशन को एंटरटेन करने का बट एजुकेट करने का, और जो कमिंग जेनरेशन है जो भी जो माताएं बहन जो लड़कियां हैं उन्हें कोई लिमिटेशंस नहीं लगनी चाहिए कि एक औरत इंडिपेंडेंट हो सकती है, अगर एक लड़की प्यार में हो सकती है और एक लड़की मतलब औरत सब कुछ हो सकती है. और यहाँ जानवी एक इंडिपेंडेंट माँ है, वो जॉब भी करती है अपने बच्चे को भी संभालती है बट अब तक उसने प्यार के बारे में नहीं सोचा है और कियान वो कोशिश करेगा कि अपनी माँ की लाइफ में प्यार ला सके. थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच. थैंक यू. देखिए सब इस किरदार का नाम है आर्यमन मुंदेला. ये हमारी जो कहानी शो की कहानी है ये ग्वालियर के बेस्ड है, ग्वालियर में बेस्ड है. शो की कहानी ऐसी होती है कि जानवी है उसका एक बेटा है कियान. सो कियान बेसिकली उसकी क्या कियान के लिए उसकी माँ ही सब कुछ है, उसके माँ उसके बाप उसका सारा काम हर चीज़ उसकी दुनिया है और जानवी के लिए कियान. अब कियान को जानवी के लिए एक हस्बैंड चाहिए, अपने लिए नहीं उसको अपनी माँ के लिए चाहिए क्योंकि उसको लगता है बेचारी मेरे लिए भागा दौड़ी करती है इतना सब कुछ करती है. तो इसी के लिए वो मैं आता हूँ लाइफ में और मैं जानवी एंड मेरा रोमांटिक एंगल होता है और जानवी बोलती है अगर वो अप्रूव करेगा तो ही मैं जो भी है इस रिश्ते को आगे कंटिन्यू कर सकती हूँ. सो अभी जर्नी ऐसी है कि कैसे आर्यमन कियान को हर स्टोरी में होता है कि लड़का लड़की को मनाता है या मुझे एक बच्चे को मनाना पड़ेगा, बार बार उसके लिए चीज़ें करनी पड़ेगी, जो वो बोलेगा वो वैसे करना पड़ेगा, हर टास्क को जीतना पड़ेगा जानवी तक पहुँचने के लिए या वो बेसिकली अप्रूवल देगा मुझे. या बच्चे को ज़्यादा मुश्किल है नहीं, बच्चे को ज़्यादा आसान है सॉरी, वो तो कोई भी चीज़ दो तो मान लेता है, बीवी को मुश्किल है. बच्चे इनोसेंट होते हैं, देखिए बच्चे इनोसेंट होते हैं, ज़्यादा दिमाग नहीं लगता उनका, मतलब दिमाग इन द सेंस वो दुनियादारी को इतना नहीं मतलब जान पाते. बीवी हो या हस्बैंड हो तो वो सब जानते हैं आपको अंदर बाहर क्या है क्या नहीं है, तो उस हिसाब से वो मनवा लेते हैं अपनी बातें सारी. या डिफरेंट है, एब्सोल्युटली डिफरेंट है, एक फ्रेशनेस है स्टोरी में, किरदार तो बाद में, एक स्टोरी में बहुत बड़ी फ्रेशनेस है. किरदार अलग है क्योंकि इसका भी एक अपना एक इसकी भी बैक स्टोरी है, एक है इसको भी अपने बाप का प्यार नहीं मिल पाता क्योंकि आप देखेंगे स्टोरी में एक इंसिडेंट होता है क्योंकि इसके बाप इसको इंडिया से बाहर कर देता है ड्यू टू सम इंसिडेंट विच हैपन्स इसके बचपन में, और ये अपने बाप के प्यार को यू नो ही लॉन्ग्स फॉर ही क्रेव्स फॉर हिज फादर्स लव जो उसको नहीं मिल पाता, और इसके बाप भी इसको धुतकारता है और इसको भी बाप का प्यार चाहिए, और वेयर इन कियान उसको भी एक बाप का प्यार चाहिए पर उसको बाप का प्यार चाहिए अपनी माँ के लिए, मतलब ऐसा है
उसको अपनी माँ के लिए चाहिए. सो बहुत कॉन्ट्रास्ट कर रहे हैं ये कनेक्टिंग द डॉट्स वाली स्टोरी है, कैसे वो लोग आएंगे पास में, कैसे उसको फादर फिगर दिखेगा आर्यमन के अंदर, और कहाँ ये बॉन्ड मतलब लेके जाएगा आगे. ऐसा तो बहुत क्यूट लगी मुझे ये जब मैंने सुना. मैंने इस ऐसी स्टोरी कभी पहले सुनी भी नहीं थी. सो आई एंड आई फेल्ट रियली कनेक्टेड. एज यू नो मैंने बताया कि कभी रिसेंटली मैं भी एक पिता बनाऊँ तो बहुत कनेक्ट कर पाया मैं उससे. मेरे बेटे का नाम आई गॉट टू बॉयज़ ट्विन बॉयज़ सो बड़े का नाम आर्य है, कैरेक्टर का नाम आर्य था. सो देयर ऑल्सो आई गॉट अ कनेक्शन. सो वाइल प्लेइंग द कैरेक्टर मैं बहुत अच्छा लगता है न्यू जोन में जाना मुझे, यू नो जस्ट प्लेइंग दैट. सो या हाँ वो बॉयज़ टीम, यू नो बॉयज़ टीम ब्रोस टीम कनेक्टेड है वो बेसिकली. मैं सिंपल मंत्रा है, मैं उसके साथ बिल्कुल बच्चा मतलब बच्चा बन जाता हूँ उसी की एज का. जो वो हम लोग बिहाइंड द सीन्स आई जस्ट बिकम यू नो दैट जस्ट अ स्मॉलर वर्जन ऑफ मी. सो जो वो बोलता है जो वो करता है हंसी मजाक चलता रहता है वही वो बंदा कनेक्ट कर पाता है व्हाट आई थिंक. सो यही कनेक्शन या ऐसे या हाँ मैं एक्चुअली बहुत ज़्यादा बोलता बोलता भी इमोशनल हो जाऊँगा. मैं बहुत मिस करता हूँ एब्सोल्युटली, बोलने की बात ही नहीं है. बट हाँ मैं जब इसके साथ होता हूँ इसको देखता हूँ इसकी हरकतों को देखता हूँ यू नो तो कहीं ना कहीं वो एक स्पेस हाँ वो थोड़ा सा फील हो जाता है मुझे. या अरे थैंक यू सो मच. देखिए अभी फ़िलहाल शुरुआत है, अभी सीन्स की हमारी शुरुआत है, इतने सीन्स हुए नहीं. बट इनिशियली मेरे लिए एक्टर अच्छे हों बुरे हों बट एक इंसान अच्छे होने चाहिए, और वो बहुत अच्छी इंसान है. मतलब वाइब बहुत अच्छा है और एक्टर एब्सोल्युटली आप सभी जानते हैं बहुत माशाल्लाह बहुत बढ़िया बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं. तो मज़ा आता है सीन्स करने में, गिव एंड टेक बहुत अच्छा होता है. सो फॉर नाउ इट्स गोइंग रियली वेल या टच वुड. फैंस एंड व्यूअर्स को ये बोलना चाहूँगा कि जैसे आपने मेरे सभी शोज को बहुत प्यार दिया है, इसको भी इट्स अ न्यू बेबी, इसको भी आप प्यार दीजिए. एंड आई कैन वाउच फॉर इट. ऐसा शो अभी टेलीविजन पे बिल्कुल नहीं आया एंड बहुत मज़ा आएगा देख के. या बच्चे को संभालना कितना मुश्किल हो गया था आपको देखते, क्योंकि बच्चे को काफ़ी मस्ती करते. बच्चा मस्ती नहीं करेगा क्या करेगा. सो मतलब ठीक है वो मज़ा आता है देखने में. मैंने जैसे बोला कि वो मस्ती करता है हम लोग भी उसके साथ मस्ती करते हैं, और उसकी मस्ती क्यूट वे में होती है, मतलब ऐसा नहीं होता. तो एट द एंड ऑफ द डे ही इज़ अ किड, तो ऐसा कुछ परेशान वगैरह नहीं करता, कोई टैंट्रम्स नहीं कुछ भी नहीं है. सो या मस्ती है फुल ऑन. अभी देखते हैं कब तक पास कर देगा. पुशअप करवाता है, गाने गवाता है, इधर उधर कूदवाता है, सब करवाता है, तो करना पड़ेगा अभी तो. या थैंक यू मोस्ट वेलकम. या थैंक यू.